आपको डी राजा ने बताया कि ये जो कानून है, इस कानून के बाद जो एनपीआर और एनआरसी लागू करने की बात की जा रही है, यह सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस देश के गरीबों के खिलाफ है। कैसे गरीबों के खिलाफ? गरीबों के खिलाफ ऐसे है, आसपास में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि कक्का कहिया जन्म लो, डेट बद होता। कि देश को आजादी जो 1947 में मिली, 1950 में जो देश का संविधान लागू हुआ, उस देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिए, वो कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको छीना जा रहा है? वो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमको हमारी आजादी देती है, जिसपे हमले हो रहे हैं? आसान शब्द में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो सबसे बड़ा अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है वो ये है कि मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, कुर्सी लगा हुआ है, कुर्सी में कवर भी लगा हुआ है, और नीचे तिरपाल पे जो बैठे हुए लोग हैं, इन दोनों का वोट बराबर है। कन्हैया कुमार का वोट और शत्रुघ्न बाबू का वोट बराबर है। राजेंद्र बाबू का वोट अवधेश बाबू का वोट बराबर है। और खाली राजेंद्र बाबू का वोट अवधेश बाबू का वोट बराबर नहीं है, राजेंद्र बाबू की पत्नी का वोट और राजेंद्र बाबू की पुताओं का वोट भी बराबर है। ये जो अधिकार है, ये अधिकार सबसे जरूरी अधिकार है जो 1947 में हमको आजादी मिली। उस आजादी ने जिस तरह के संविधान का निर्माण किया, उस संविधान ने यह सुनिश्चित किया। ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग कह रहे हैं कि संविधान पे हमला हो रहा है? कैसे संविधान पे हमला हो रहा है, जब देश में एक चुनी हुई सरकार है जिसको देश की जनता ने 303 सीट दिया है, बढ़िया भाषण देने वाले एक प्रधानमंत्री हैं हमारे पास, जो देश की संसद में, जो देश के जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, उस संसद में ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि देश के संविधान पे हमला हो गया? हमला ऐसे हो गया कि पहली बार इस देश में धर्म के आधार पे किसी को नागरिकता देने की बात की गई। जो बात हमने कही कि तिरपाल पे बैठे हुए लोग और मंच पे बैठे हुए लोग बराबर हैं, तो धर्म के आधार पे जब हम ये नागरिकता देंगे, इसका मतलब तिरपाल पे बैठे हुए लोग और मंच पे बैठे हुए लोग, मंदिर जाने वाले लोग और मस्जिद वाले जाने वाले लोग बराबर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए संविधान पे हमला हो गया है। और यह बात सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है। अभी आपको डी राजा, ये स्कूल है, मिडिल स्कूल, इसके प्रिंसिपल साहब भी कहीं खड़े होंगे। क्या होता है, गरीब का बाल बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है, पैसा वाला का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। कम्युनिस्टो पार्टी में जो पैसा वाला लोग हैं उसको बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, खाली गरीब का बाल बच्चा पढ़ता है। तो गरीब का बाल बच्चा जब जाएगा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो मास्टर साहब पूछेंगे कहिया जन्म लो अरी, तब माँ अपने नहीं पता छे कि कहिया जन्म लेगा। उचैत बैसाख पूस अघन करे लगते है, अब ओकर डेट की लिखल जाए? तो अच्छा ऐसा करो, एक 2 जनवरी डेट लिख दे, केकरो 5 जनवरी लिख दे, केकरो 15 जनवरी लिख दे, केकरो 18 जनवरी लिख दे। सौंसे स्कूल में सर्वे करबो ना तो 100 में से 50 गो विद्यार्थी जनवरी में जन्म। ऐसा हो सकता है क्या? अब हम अपना उदाहरण बताते हैं। हम JNU से PhD किए हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं, मेरी माँ भी 10वां पास है, मेरे पिताजी भी 10वां पास थे। तब भी जब हम एडमिशन लेने के लिए गए अपने मिडिल स्कूल में, तो दीदी जी जो है अपना 2 जनवरी लिख दिए कागज पर, मेरा जन्मदिन है 2 जनवरी, हम जनवरी में कागज पर पैदा हुए हैं सरकार की नजर में। अब माए बाप जानते हैं कि हम मार्च में पैदा हुए हैं, चाहे तुम पैदा हुए हैं। यह है कहानी। अब इसकी समस्या क्या है, इसको समझ लीजिए। इसकी समस्या यह है कि सरकार आपको अब मुंह नहीं देखती है, सरकार कागज देखती है। जैसे कोर्ट आपका मुंह नहीं देखता है, कोर्ट सबूत देखता है, इस बात को समझ लीजिए। और कागज की स्थिति इस देश में क्या है, कागज की स्थिति यह है कि जो देश के गरीब लोग हैं उनका कोई कागज पत्र ठीक नहीं होता है, पढ़लको नहीं ठीक हो,
वोटर आईडी देखियो अपन कते सुंदर सुंदर फोटो रहे छ ओकरा पर। हां हां दिलीप कुमार नियर फोटो लगाए छ। वोटर आईडी पे नाम आपका रहेगा अब फोटो आपके बाबूजी का लगा देगा। नाम पति का रहेगा फोटो पत्नी का उस पे लगा रहता है। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। अब हम फिर आपको हम अपना ही उदाहरण देते हैं। मेरे सर्टिफिकेट पे मेरे पिताजी का नाम जे ए आई जयशंकर सिंह है, ठीक है। और मेरे छोटे वाले भाई के सर्टिफिकेट पे पिताजी का नाम जे ए वाई जयशंकर सिंह है। तो बाबू जी तो के बन छथिन आई या वाई चक्कर उनकी हो रहा है कि ये अगर लागू होगा तो ये देखना पड़ेगा कि बाबूजी के वोटर आईडी में जे ए आई है कि जे ए वाई है। अगर जे ए आई है तो छोटका भाई डाउटफुल सिटीजन हो जाता है। अगर जे ए वाई है तो हम डाउटफुल सिटीजन हो जाएंगे। पूरा का पूरा जो घन चक्कर है उसको चार स्तर में आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो सी ए ए है इसको लाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं कहे होशियार लोग लो तीन जगह मखे छे तो वह भे गए अमित शाह जो अमित शाह जो भे ही गए कि एक लागू करेक रहे एनपीआर आ एनआरसी। मुख्य उद्देश्य ये थी सरकार का कि एनपीआर और एनआरसी को लागू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे गोगोई साहब वो असम के थे। तू जब रिटायर हो लोग नहीं जना जाए रहे छो कुछ कुछ कर देते वो डीएम जाए रहा तो अब 10-20 को राइफल का लाइसेंस देने चल जाइत जे जे फाइल अटकैने रहो ओकरा पर दस्तखत कैने चल जाइत। तो चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले थे तो चीफ जस्टिस सोचते कि जाते जाते कम से कम असम की जनता के लिए काम कर देते हैं क्योंकि वो असम से ही थे। गोगोई साहब ने कहा कि सरकार को तय सीमा के भीतर असम में जो एनआरसी की गई है जिसको लेकर के जनता के टैक्स का 1600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है वो लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट बोल दी है चीफ जस्टिस बोल दिए हैं। तो जब एनआरसी का लिस्ट असम में जारी हुआ तो हुआ ये कि 19 लाख लोग जो एनआरसी से बाहर किए गए नेशनल सिटीजन रजिस्टर से जो 19 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ उसमें से 15 लाख लोग हिंदू थे। हाँ बुझलो ये जो चौक पर पान खाए का सीकी दे के जो कुल मियां के भगाए देवे तो ओकरा पूछो यो चाचा पहले अपन नानी के नाम बढ़िया से रट के याद कर ले नहीं पता चल रहा तोरे नाम एनआरसी से बाहर है कि पूछियो कि 19 लाख लोग में से 15 लाख हिंदू का नाम बाहर हो गया। आप कितना हिंदू हृदय सम्राट होते हैं मोदी जी। जब हिंदू का नाम बाहर हो जाएगा हिंदू के नाम पे ही वोट लेते हैं तो हिंदू उनको वोट देगा तब लगा आए बाप ये तो उल्टा पड़ गया है। तो वहां पे अपनी गर्दन बचाने के लिए इनको सीएए लाना पड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उससे पहले इनको सीए लाने का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि 2003 में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त ही नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया गया था और हमेशा की तरह विपक्ष सो रहा था। भाषण देने से तो कुछ होगा नहीं देश का विपक्ष तो गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोल रहा हूं मैं जनता की तरफ से लेकिन मंच को यह कहना चाहता हूं कि समस्या जनता और कार्यकर्ता में नहीं है समस्या मंच में है समस्या नेता में है। अगर मंच इकट्ठा हो जाए अगर हर पार्टी में गुटबाजी बंद हो जाए तब न जनता के खिलाफ कौन सा कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ वो हो हल्ला करेंगे। विपक्ष अपना पार्लियामेंट में सो रहा होगा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त यह नागरिकता संशोधन कानून चुपचाप पास कर दिया गया और देश की जनता को पता नहीं चला। वो जो 2003 का कानून पास किया गया है उसमें ही यह बात कही गई कि सबसे पहले एनपीआर किया जाएगा।